वेजिटेरियंस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी सेजिटेरियंस। थैंक यू। सेजिटेरियंस, one more time please, and shunya, okay, thank you, okay, Sagittarius, we have four of pentacles, what is real for you, मुझे ये statement सुनी, what is real for you, आपके लिए सच क्या है और झूठ क्या है, ये क्वेश्चन बहुत चेज करेगा आपको इस वीक में सेजिटेरियस। कौन सी चीज मायने रखती है और कौन सी चीज नहीं मायने रखती, ये तमाम ख्याल जो होते हैं, अटैचमेंट डिटैचमेंट, ये सब मुद्दे बहुत घूमेंगे इस वीक में आपके इर्द गिर्द। और इसका मेन पर्पस यही है कि आपकी राय क्या है किसी चीज के बारे में, शायद आप दूसरों की राय में ज्यादा फंस गए या उसका क्या कहना है, उसका क्या मानना है, इनमें ही आप ज्यादा डूबे हुए हो। लेकिन ये वीक आपको एक मौका दे रहा है कि आपकी क्या राय है, आपका क्या विश्वास है। आप में से जिनका भी हार्ट चक्रा ब्लॉक महसूस कर रहे हैं सेजिटेरियस, कि आप ज़्यादा बात कह नहीं पा रहे या फिर रूठे हुए से लग रहे हो आप अपने आप से भी, कि नाज में रूठा रूठा सा, आई थिंक ये आपके लिए इशारा है कि आप थोड़े से हर्ट हो, लेकिन आप उस हर्ट की ऊर्जा को प्रोसेस कैसे कर रहे हो, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके और अपनी इंपॉर्टेंस को कम करके, उसने ये कहा और इस वजह से मैं इसमें विश्वास करता हूं, उसने ये बात कर ली है इस वजह से मैं उसकी बात को फॉलो करूंगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत यही है सेजिटेरियस कि आप क्या, आपका क्या विश्वास है, और ये आप इस वजह से ही नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने हार्ट चक्रा के साथ यहां पर डिस्कनेक्टेड हो, आप थोड़े हर्ट में हो और आपको अपने उस दुख को प्रोसेस करने की जरूरत है। पेज ऑफ वॉन्स है हमारे पास, द टावर, यस, आपका इनर चाइल्ड आपकी मदद कर सकता है मेरी जान, आपके लिए हेल्प है, आपके लिए डेफिनेटली हेल्प है। टावर यहां पर बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ट्रस्ट मी, इस कार्ड कॉम्बिनेशन में टावर इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू, ये चाहिए आपको और उसमें आपका इनर चाइल्ड आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो जैसे जो इनर चाइल्ड की ऊर्जा होती है वो चीज़ों को क्लोजर देना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि उसके सामने, जैसे कहते हैं ना कि बच्चों के सामने पूरी दुनिया, पूरा संसार होता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, तो मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं इस दुख से उभर कर किसी नई चीज में अपनी ऊर्जा को लगा सकता हूँ, ये माइंडसेट आप चैनल कर सकते हैं अपनी इनर चाइल्ड से। तो बचपन की एक्टिविटीज जो आपको खुशी दिया करती थी, बचपन की बातें जो आपको खुशी दिया करती थी, इस वीक में उनके साथ कनेक्ट होइए। आपको अपनी पुरानी बचपन की अगर कोई एल्बम है आपके पास, तस्वीरें हैं, उनको देखिए, अपनी उन छोटे से मासूम से चेहरे को जो आप जब छोटे थे उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि उसी चेहरे में आपके लिए हीलिंग छुपी हुई है और वही हीलिंग इस चीज में दोबारा से एक स्ट्रक्चर लेकर आने में मदद करेगी। आप में से कुछ लोग बहुत जो भी आपके चॉइसेस हैं सेजिटेरियस, शायद उनको एक टैग दिया जाता है बोरिंग का, कि ओ माय गॉश, तुम ऐसे कपड़े चूज कर रहे हो, ये तो बड़ी बोरिंग चॉइस है तुम्हारी, जैसे बाहर का शोर आपको ये बात बात
पर ये एहसास दिलवाने की कोशिश करता है कि तुम बोरिंग हो या तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो, और वो भी चीज आपके ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर बनी हुई है। ये एक अच्छा हफ्ता है, ये अच्छा वीक है इस एनर्जी को भी रिलीज करने का। ये जो बिलीफ सिस्टम आपको बाहर से दिए जा रहे हैं उनको नो कहने का, उनको शरअप कहने का, और अपने आप से कहने का कि अगर मुझे कोई चीज इस रूप में इस ढंग में पसंद है तो मुझे पसंद है। आपको उनके सच को अपना सच बनाने की जरूरत नहीं है। एक मैसेज यहां पर यह भी है सेजिटेरियस, उन लोगों के साथ उठिए बैठिए, उन लोगों के साथ यू नो, बातें कीजिए जो आपकी फायर को और बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा को या आपकी रोशनी को कम नहीं करते या उसे बुझाने का काम नहीं करते, आपको हर्ट करने का काम नहीं करते। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना कि इनके साथ बैठकर ऐसा लगता है कि हाय नाज पूरी एनर्जी ले ली इस बंदे ने मेरी, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेचर भी आपकी मदद कर सकती है, खास करके आपके मेंटल ब्लॉक्स को ठीक करने में, या फिर अगर आप दो आइडियाज या दो ऑप्शंस में बहुत उलझ गए हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस ऑप्शन को चूज करना है या किस पर्सन को चूज करना है, मदर अर्थ यू नो नेचर की मदद लीजिए। यहाँ पर कुदरत आपकी उसमें उस ठहराव में टैप इन करने में आपकी मदद करेगी, और यही ठहराव आपको बताएगा कि आपको जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनके साथ नेक्स्ट किस जर्नी में आगे बढ़ना है। आपको एक क्लू जो मैं दे सकती हूँ वो यही है कि अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को चूज कीजिएगा। अगर दो ऑप्शंस की यहाँ पर बात हो रही है तो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को समझने के लिए बड़प्पन दिखाना, किसी सिचुएशन में बड़प्पन दिखाना ही यू नो, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को चूज करने के बराबर होता है। तो यस, वो करने की जरूरत होगी आपको यहाँ पर। कमिटमेंट इश्यूज भी हैं अगर किसी के, कि कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। इस पर्सन के भी इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, इस पर्सन का हार्ट चक्रा ही ब्लॉक्ड है तो ये प्यार कहाँ से देगा। लेकिन ये इस बारे में नहीं बात कर रहे हम कि इसके अंदर प्यार नहीं है, है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा क्योंकि ब्लॉकिंग एनर्जी में बैठा है। तो अगर आप इस पर्सन की भी इस बदलाव में ओपन अप होने में मदद कर सकते हैं, इसके बर्डन को कम करके, या इसे ये एहसास देके कि यस आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मेरे साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं, तो शायद ये पर्सन ओपन अप भी हो जाए, ये थोड़ा सा यू नो, अपने दिल की बात भी कहे। लेकिन यस, इसको पहले स्पेस देनी पड़ेगी। आप इसको ऐसा टॉन्ट नहीं कर सकते कि तुम तो कुछ कर नहीं रहे, तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे। ओके, तो कमिटमेंट के लिहाज से, लव के लिहाज से मैं ये बात कह रही हूं। वी हैव द एम्प्रेस, यस, मदर अर्थ नेचर की एनर्जी है और वो आपको काफी हील करेगी। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में आपको वोम हीलिंग करने की जरूरत है। आपको अपनी नाभि, अपने पेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसको टच कीजिए अपने पेट को। अगर आप अपने पेट के जो भी शेप है आपकी यू नो, अगर आप उसके साथ भी कहते हो कि नाज मेरी पूरी बॉडी में मुझे मेरा पेट ही पसंद है क्योंकि ये इसकी शेप मुझे अच्छी नहीं लगती, तो आप अपनी उस बॉडी को बहुत यू नो, हर्ट की एनर्जी भेज रहे हो। आपका वो बॉडी पार्ट बहुत रिजेक्टेड महसूस करता है। तो आई फील लाइक कि ये अगर पेट की जगह कोई और बॉडी पार्ट भी है तो फॉर गॉड्स सेक उसको थोड़ी सी प्यार की ऊर्जा दो, ममता की ऊर्जा दो। जैसे माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है यू नो, ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को भी एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में लेकर आना चाहिए। और अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को जब हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो उतने परफेक्ट नहीं दिखते या परफेक्ट नहीं होते, तो बॉडी को हम कष्ट पहुंचा रहे होते हैं, तो वो मत कीजिए। ओके, महिलाओं को खास करके अपनी नाभि, अपने पेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए और अपने अपनी वोम हीलिंग करनी चाहिए। आप सर्च कर सकते हैं अपने आप से कि वोम हीलिंग कैसे करनी है। ओके, यस, द डेविल, कुछ चीजें हीलिंग मांग सी मेरी आवाज भी यहाँ पर कैसे एकदम से चेंज हो गई, तो कुछ चीजें यहाँ पर ठीक नहीं है और कुछ चीजें हीलिंग मांग रही हैं आपसे, क्रॉस रोड्स में रख रही हैं ये चीजें,
डेविल की ऊर्जा यू नो आपको ऐसे रख रही है, आपके पाथ को ऐसे क्लियर नहीं होने दे रही। और ये कहीं ना कहीं पोर्टल्स को भी परेशान करती है एनर्जी। जब भी कोई पोर्टल आता है 333 का, 222 का, जब कोई रिपीटिंग डेट आती है, तो आई फील लाइक कि वो ऊर्जा जहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए वो उसको ऐसे ब्लॉक करके रख देती है। तो पोर्टल्स की एनर्जी भी यहाँ पर आपकी यू नो प्रभावित है। वोम भी एक पोर्टल होता है यू नो हमारी बॉडी में। तो यस, आपके लिए ऐसा नहीं है कि ब्लेसिंग्स नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग्स ब्लॉक्ड हैं। मेन रीजन स्पेस के लिए हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड है। ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए हार्ट चक्रा ओपन होना चाहिए, अदरवाइज हम ब्लेसिंग्स जो सामने भी हैं उनको भी नहीं रिसीव कर पाते। आप में से कुछ लोगों को अपने मॉम के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए इस वीक में। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई एक्टिविटी जो आप दोनों को ही हीलिंग दे, दोनों को ही अच्छा महसूस करवाए, वो कीजिए अपनी तरफ से एक्शन। ये थोड़ा सा डॉन्टिंग, थोड़ा सा मुश्किल है काम कुछ लोगों के लिए, फॉर सम रीज़न। शायद आपकी रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे हैं और इस वजह से इट्स यू नो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बावजूद प्लीज़ कीजिए, थोड़ा सा खुद को चैलेंज कीजिए और ये कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल से अगर आप करियर के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक आपका करियर यहाँ पर स्टेबल एनर्जी में है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई डरने की बात है, इट्स जस्ट कि आपके काम में जैसे स्ट्रक्चर की कमी है या किसी किस्म की प्रोटेक्शन की कमी है, आप किसी किस्म के रिस्क को लेकर कोई काम कर रहे हो, तो फॉर गॉड सेक उस रिस्क को यहाँ पर पहले ठीक कीजिए। अगर आपकी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ किसी किस्म के रिस्क में है और उसको लेकर आप काम कर रहे हो, तो उसमें एक सुधार लगेगा। और वो डेविल आपसे काम करवा रहा है, ये कोई ना कोई वर्कहॉलिक एनर्जी हो सकती है, ये ज़्यादा पैसा कमाना है मुझे कम टाइम में, ये वो हो सकता है, ये कंपैरिजन भी हो सकता है कि उसके पास वो है तो मुझे ये चीज़ चाहिए और उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, चाहे फिर मैं अपने आप को किसी रिस्क में ही क्यों ना रखूँ। वो मत कीजिए, आपका करियर स्टेबल है मेरी जान, इसमें बहुत ग्रोथ भी है। ये किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स तक जाती है। लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में सोचिए, शॉर्ट गेम मत खेलिए यहाँ पे सैजिटेरियस। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टावर, स्कॉर्पियो की एनर्जी। आर्कएंजल ज़ेडकियल, थैंक यू ज़ेडकियल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माय पास्ट चैलेंजेस। अच्छा हफ्ता है ये अपने पास्ट चैलेंजेस को भी ओवरकम करने का। पास्ट चैलेंज को यहाँ पर कैसे देखेंगे, ये जो नया वीक के, जिस नए वीक के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, इससे जो पिछले वाले वीक के जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को इस नए वीक में जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं उसमें हम ओवरकम कर सकते हैं। विच मीन्स कि इस वीक की जो एनर्जी है प्रीवियस वीक की एनर्जी से बेहतर बनाई जा सकती है, और उसके लिए अपनी स्पिरिचुअल अबंडेंस, उसके साथ अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ जुड़िए और चीज़ों को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए अपने हार्ट चक्रा पर काम करके। क्लियर योर वाइब्स, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माई एनर्जी फील्ड। मैंने तभी आपसे कहा ऐसा नहीं है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि गिनते गिनते थक जाओगे। विद द एम्प्रेस कार्ड, अगर टैरो की समझ हो, एम्प्रेस स्पिरिचुअली बहुत अबंडेंट होती है, मटीरियली तो पूछो ही मत, मतलब अबंडेंस की देवी है वो, खूबसूरती की देवी है वो, इंट्यूशन की देवी है वो, डिवाइन फेमिनिन। लेकिन आपकी आपकी ऊर्जा के साथ कुछ ब्लॉकेजेस जुड़े हुए हैं और उसकी हीलिंग करनी पड़ेगी आपको। आपको मैं सेज के साथ ही काम करने को कहूंगी, पवित्र अग्नि से जो धुआं निकलता है वो भी आपकी मदद कर सकता है, सॉल्ट बैथ आपकी मदद कर सकते हैं। पिंक कलर के कपड़े पहनिए, आपका कोई भी जेंडर है पिंक कलर के कपड़े पहनिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
सक्सेस आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव, रियल सक्सेस के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है. टेम्पररी सक्सेस जो होती है आई गई आई गई, और रियल सक्सेस जो हमेशा याद रहती है, हमेशा हमारे साथ रहती है, उसका एहसास हमारे साथ रहता है, वो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम करती है. और वो आती कहाँ से है? वो लव की एनर्जी से बनती है. जब हम कोई काम करते हैं, अगर उसमें आप लविंग एनर्जी को ऐड करोगे तो वो काम सक्सेसफुल है अपने आप में. क्योंकि प्यार क्या है? प्यार ईश्वर है, प्यार डिवाइन है. और प्यार की, प्यार का जन्म हार्ट चक्र. फिर से सक्सेस के लिए भी आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करना चाहिए. फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई जॉब वगैरह करते हैं या बिजनेस में आप तरक्की चाहते हैं, अपने हार्ट चक्र पर काम कीजिए. ओके. एडवर्सिटी, ये फिर से टावर की ही एनर्जी है. आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न. कोई भी चैलेंज आए तो एक एटीट्यूड बड़ा जो आपको, आपकी मदद करता है वो यही है कि ये सिचुएशन, ये चैलेंज मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है. चैलेंजेस में हमारा ये सवाल होना चाहिए जो हमें अपने आप से करना चाहिए. ये माइंडसेट बहुत अच्छा होता है बुरे समय में, या फिर जो जिसमें कष्ट हो कोई, कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है. तो ये कीजिए. ओके. और उससे भी आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिलेंगे और आपके ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्लियर होंगे. ऑल राइट सेजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है. आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके. अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. बाय.